देखिए माशाल्लाह से हमारी चीज़ी चिकन रेंच बिल्कुल तैयार है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खाने में भी बहुत टेस्टी है, ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सभी को पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है, आइए अभी आपसे शेयर करते हैं। चीज़ी चिकन रेंच बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 अदद चिकन ब्रेस्ट, आधी प्याली मैंने ली है टोमेटो प्यूरी। मसालों में शामिल हैं थोड़ा सा गरम मसाला, काली मिर्च, चिली पाउडर, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर। अगर आपके पास ये पाउडर नहीं है तो आप लहसुन और अदरक का पेस्ट खुद भी बना सकती हैं। ये मेरे पास चीज़ है, मोसरेला चीज़ है मैंने लिया है। ये मेरे पास ओरिगानो है जिसे हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास ओरिगानो नहीं है तो आप सब्ज़ धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पैन में तेल डाल लेंगे तकरीबन 2 चम्मच और इसके अंदर अपने चिकन डालकर उसको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे, अच्छा सा रंग आ जाए। देखिए मैंने चिकन के ऊपर कट नहीं लगाए, लेकिन इस तरह से मैंने एक तेज़ से छुरी लेकर उसके साथ मैंने इस तरह से कर लिया है दोनों के ऊपर। इससे ऐसा होगा कि हमारा नमक मिर्च मसाला जो है ना इसके अंदर अच्छी तरह से रस जाएगा और ये टेस्टी बनेंगी। देखिए मसाला से कितना अच्छा रंग आया है। और अब इसी तेल में हम अपने टमाटर प्यूरी डाल देंगे। इसमें अपने मसाले शामिल करके इसको थोड़ी देर के लिए भून देंगे और इसमें मैं शामिल करूंगी तकरीबन 4 टेबलस्पून पानी और नमक हसबे जायका, क्योंकि हमने नमक चिकन के ऊपर भी लगाया है और इधर थोड़ा सा ही नमक डालेंगे। देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम अपने चिकन रख देंगे। और इसे ढक कर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में इसको देखते रहेंगे और इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं 15 मिनट बाद। देखिए 15 मिनट होते हैं, हमारी चिकन जो है अच्छी तरह से टेंडर हो गई है, पक चुकी है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे अपना चीज़। कम या ज़्यादा आप अपनी मर्जी के मुताबिक डालें। और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा ओरिगानो। और अब इसे चीज पिघलने तक ढक कर पकाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए हमारी चिकन चीज़ी रेंच बनकर तैयार हो गई है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो हमें लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बॉक्स में देख कर ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।